Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द अमेजिंग वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग थंबनेल क्रिएट करना सीखने वाले हैं। सो गाइज, वीडियो के जितने भी पैक लिंक होने वाले हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करें। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले आपको जो अपना पीएस टच एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पर अपना जो भी कैनवास होने वाला है तो 1920 एंड 1080 का कैनवास सिलेक्ट करके ओके कर देना है, तो कुछ इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा। देन इसके बाद सबसे जो पहला स्टेप होने वाला है वो आपको अपना बैकग्राउंड ले लेना है। तो सिंपली आपको जो भी बैकग्राउंड होने वाला है तो वो आप बैकग्राउंड यहाँ पर सिंपली इंसर्ट कर लीजिए। देन उसके बाद इसको जो भी इंसर्ट करने के बाद आपको सिंपली एडजस्ट कर लेना है और इसको सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट दे देना। तो सिंपली मैं यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट दे देता हूँ। देन उसके बाद आपको जो टिंट इफेक्ट दे देना है, तो टिंट इफेक्ट देने के बाद आपको जो इसकी लुमिनसिटी है उसको कम रखना है, मतलब जो वीडियो का जो थीम होना चाहिए वो थोड़ा डार्केस्ट टाइप होना चाहिए। तो मैं इसको सिंपली थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको और डार्क कर लेता हूँ। और इसका मैं सिंपली कलर भी चेंज कर लेता हूँ, मेरे को ऑरेंज कलर में चाहिए तो मैं सिंपली इसको ऑरेंज कलर कर लेता हूँ, यहाँ से चेंज कर लेता हूँ इसका कलर। देन ये करने के बाद मैं इसको सिंपली यहाँ से राइट पे क्लिक कर देता हूँ जिससे ये सेव हो जाए। तो यहाँ पर सिंपली राइट पे करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देन इस पर सबसे पहले सेकेंड स्टेप में हम लोग को लाइटनिंग इफेक्ट देना है, तो सिंपली हम लोग लाइटनिंग इफेक्ट दे देते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से आउटपुट निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को जो हमारा कैरेक्टर होने वाला है वो सिंपली कैरेक्टर ले लेना है यहाँ पर। तो ये मेरा यहाँ पर ये 3D कैरेक्टर है तो मैं इसको ले लेता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पैक में मिल जाएगा, तो आप उस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सिंपली, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सिंपली इसका हमको सबसे पहले आपको टिंट दे के इसका जो कलर है वो चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली टिंट दे के इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, जो कि हमारे बैकग्राउंड का कलर होने वाला, तो सिंपली वही कलर दूंगा। देन इसका मैं डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर दूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद इसको लिनियर डॉश कर दूंगा जिससे एक ग्लो टाइप में आ जाए हमारे वीडियो पे। तो सिंपली यहाँ पर ये ग्लो टाइप में हो गया, यहाँ पर 73% इसकी अपोसिटी रख देंगे। तो ये दोनों को फिर मर्ज कर देंगे हम लोग सिंपली, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली मर्ज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग वापस इसको थोड़ा आपको थोड़ा मोड़ा जैसा एडजस्ट करना होगा तो आप एडजस्ट कर सकते हो। देन उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट होने वाला है तो सिंपली हम लोग सेकेंड स्टेप में टेक्स्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है और टेक्स्ट को क्या करना है, यहाँ पर जो भी हमारा टेक्स्ट लेंगे वो हम लोग सिंपली अपने पिक्सेल ऐप की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। इसका फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट को सिंपली आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो भी इसको तीनों को अलग अलग कर देना है लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करके। तो सिंपली मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। तो ये हमारा सिंपली अलग अलग हो चुका है, मोस्टली देख सकते हैं हम लोग। तो सिंपली हम लोग सबको हाइड कर देंगे, जो हमारा मेन टेक्स्ट होने वाला है उसको हम लोग ले लेंगे और इसको ट्रांसफॉर्म करके थोड़ी इसकी साइज को बढ़ा देंगे सिंपली, कुछ इस तरह से जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है। तो वीडियो में इस तरह से मतलब साइज बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, इसका सिलेक्ट पिक्सल कर देना है आपको सिंपली। तो यहाँ पर मैं आप जाएंगे यहाँ पर इसको सिलेक्ट पिक्सल कर देंगे। देन इसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर आपको क्रिएट कर देना और इसके ऊपर जो सिल्वर टाइप में जो ग्रेडियंट होता है मतलब ब्लैक और ट्रांसपेरेंट वाला, तो वो आपको ग्रेडियंट यहाँ पर सिंपली दे देना है कुछ इस तरह से जैसा कि मैं दे रहा हूँ। तो सिंपली हम लोग दे देते हैं कुछ इस तरह से, आपको भी एडजस्ट सिंपली कर लेना है। तो हमने सिंपली यहाँ पर ये दे दिया है, तो देने के बाद हमको सेव कर देना है। अब इसको डिसेलेक्ट कर देंगे हम लोग देने के बाद, और इसको क्या करेंगे, दोनों को मर्ज डाउन कर देंगे, जो ऊपर वाली लेयर है उसको उसके साथ मर्ज डाउन कर देंगे। देन मर्ज डाउन करने के बाद हम लोग इसका डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे सिंपली। तो हम लोग यहाँ पर डुप्लीकेट लिया है और नीचे वाले लेयर पे जाकर हम लोग इसको ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे। इसका ब्लर आपको 0 कर देना है एंड डिस्टेंस को थोड़ा आप बढ़ा सकते हो, और इसका कलर आपको जो वाइट होता है वाइट और थोड़ा वाइट से थोड़ा कम मतलब ग्रे टाइप में ऐसा आपको इसका जो शेडो है वो देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसका और एंगल आपको 19 कर लेना है यहाँ पर सिंपली। तो यहाँ पर डिस्टेंस में थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, थोड़ा इंक्रीज़ करना है आपको, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना है, मतलब खाली 3D लुक देने के लिए आपको इंक्रीज़ करना है। इसका कलर देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वैसा 73 के आसपास मतलब जो ग्रे टाइप में होता है वैसा आपको देना है सिंपली। तो यहाँ पर मैं इसका जो डिस्टेंस है वो 7 रख देता हूँ। देन इतना हो गया है, अब इसको ये सिंपली हमारा जो ये टेक्स्ट है वो हो चुका है, तो अब आप इसको मर्ज डाउन कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उसको ले लेते सिंपली
और यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो सिंपली आपने हमने जो भी प्रोसेस नीचे वाले के साथ किया वैसे ही ऊपर वाले के साथ भी कर देंगे। सिलेक्ट पिक्सल करेंगे, एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे, इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे और देन इसका ओके कर देंगे यहाँ से सिंपली। तो हमारा काफ़ी इजी प्रोसेस है, तो सिंपली आप कर सकते हो। तो सिंपली इसको हम लोगों ने सिलेक्ट पिक्सल अगेन किया, देन इसके ऊपर हम लोग कुछ इस तरह सिलेक्ट पिक्सल बोल रहा हूँ सॉरी डी सेलेक्ट किया, देन इसके ऊपर ऐसे कुछ रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, उसका एक एम्प्टी लेयर पे जाके हम लोग एक ग्रेडियंट फील करेंगे उसमें, तो कुछ जो कि कुछ ऑरेंज टाइप में होने वाला है। तो जैसे कि मैं देख सकते हैं आप ऑरेंज एंड ब्लैक में मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप सिंपली फील ऑरेंज कलर से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली ब्लैक और ऑरेंज कलर से ले रहा हूँ, तो देन ये हो गया। तो इसको डिसलेक्ट कर दूंगा, देन इसको जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर लेके आ जाना, मतलब नीचे लेके चले जाना है। तो सिंपली मैं इसको कुछ पहले तो हमने फेड इफेक्ट दे देना है कुछ इस तरह से जैसे कि मैं दे रहा हूँ, तो मतलब एक साइड से ऑरेंज टाइप में और एक साइड से एकदम ब्लैंक साइड से रहना चाहिए। तो सिंपली मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ, तो यहाँ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब आधा पार्ट दिखना मांगता आधा पार्ट नहीं ऐसा, मतलब ये तो मेनली टेक्स्ट के नीचे होने वाला है। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं, कुछ इस तरह से बनाने वाले हैं हम, जैसे कि ये हो गया है पूरा। देन इसको ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे हम लोग, ये थोड़ा बाहर निकल रहा था, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देगा आप। देन इतना होने के बाद सिंपली राइट कर देना है, इतना हो गया है। देन इसका हम लोग डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे जो और इसको लीनियन डॉज करके इसकी अपोसिटी को कम कर देंगे हम लोग सिंपली, ताकि थोड़ा सा ब्राइटनेस टाइप में हो जाए। तो सिंपली ये हो गया है, इसका 20-25 के आसपास आपको अपोसिटी रख देना है। देन हमारा जो थर्ड वो होने वाला है उसको अनहाइड करेंगे सिंपली, पहले जितने भी ये टेक्स्ट है उसको मर्ज डाउन कर देंगे हम लोग सिंपली, और जो लास्ट में जो टेक्स्ट बचता है उसको अनहाइड करेंगे हम लोग, और इसको हम लोग सिंपली ट्रांसफॉर्म पे क्लिक एंड के ऑप्शन पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पर नीचे के साइड में डाल देंगे कुछ इस तरह से। देन इसका हम लोग को क्या करना है, सिलेक्ट पिक्सल कर देना है आपको एडजस्ट करने के बाद। तो सिंपली ये एडजस्ट हो चुका है, इसके बाद सिलेक्ट पिक्सल कर देंगे हम लोग सिंपली इसका। तो हम लोग सिलेक्ट पिक्सल करके एक एम्प्टी लेयर पे हम लोग इसको सिंपली फिल कर देंगे। तो हम लोग सिंपली यहाँ से एम्प्टी लेयर ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग ग्रेडियंट पे जाते हैं, तो ग्रेडियंट का सेम कलर कर देंगे तो भी हो जाएगा, या तो आप डायरेक्टली फिल भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से अभी आ गया हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो इसका कलर्स है वो चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज टाइप में रख देता हूँ। तो सिंपली ये इसको पूरा ऑरेंज टाइप में करना है सिंपली, तो मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, यहाँ पर भी ऑरेंज, देन ये हो गया है हमारा। तो इसको हम लोग सिंपली अब डीसेलेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट का प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। अब सिंपली आप जो भी टेक्स्ट है उसको मर्ज डाउन कर सकते हो, तो सिंपली मर्ज डाउन करने के बाद जो हमारा मेन टेक्स्ट है वो साथ में आ जाएंगे, तो आप उसको 5% का टिंट दे दोगे जिससे वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लुक देगा। तो सिंपली यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला मिल जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर 5 का कर देना है, और इसको कुछ इस तरह से वापस ट्रांसफॉर्म करके यहाँ से उसको थोड़ा सा रोटेट टाइप में नीचे के टाइप में ऐसा कर दोगे ना, तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से टिंट करना है, तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। अब थोड़ा कूल लुक आता है, मतलब जो उसको टिंट इफेक्ट देते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा अच्छा लुक आता है। तो सिंपली इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर राइट के बटन पर क्लिक कर देना है, और इतना टेक्स्ट का अब हमारा काम हो गया है। और देख सकते हैं आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे हम लोग, और कुछ इस तरह से रख देंगे जो कि कैरेक्टर के थोड़ा सा ऊपर होने वाला है। तो सिंपली इतना होने के बाद आपको इसका डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर देना जो टेक्स्ट होने वाला है, देन इसको हम लोग को ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, थोड़ा बड़ा साइज़ कर देंगे, देन इसको एडजस्ट करके हम लोग को मिडल में कुछ इस तरह से लेके आना है, और लेके आने के बाद इसको राइट कर देना है सिंपली, और इसको हम लोग को जब ओवरले का ऑप्शन होता है तो वो ओवरले आपको सिंपली दे देना है। ओवरले देने के बाद तो ओवरले हम लोग दे देते हैं, तो यहाँ पर इसका अपोसिटी कम कर देंगे 30 के आसपास, देन इतना हो गया क्रिएट। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, जो हमारा सबसे ऊपर चले जाना, और इसके बाद डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर देना आपको। क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, जो कैरेक्टर के आजू बाजू कुछ इस तरह से जैसा कि मैं आपको बताया हूँ उस तरह से आपको भी क्रिएट कर लेना है, मतलब इसका डुप्लीकेट लेयर करके आप उसका सिचुएशन डायरेक्ट हाइड मतलब ब्लैक एंड वाइट भी कर दोगे ना, तो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरह से आपको थोड़ा सा आगे पीछे दो डुप्लीकेट बना के इसका बस ब्लैक एंड वाइट करके कुछ इस तरह से रख देना है। ब्लैक एंड वाइट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहा था ऐसे ही। तो सिंपली आपको वही कलर लेके और इसको जो हमारा डायरेक्शनल ब्लर होता है वो दे देना है। तो सिंपली इसका मैं लास्ट में कलर चेंज ही कर देता हूँ, वैसे भी उसके लिए बोल रहा था ब्लैक एंड वाइट नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो सिंपली हमारा डायरेक्शनल ब्लर दे देना है, और इसकी अपोसिटी आपको 40 के आसपास रख देनी है। तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
वहाँ पर। देन आपको फोटो लेयर में जाना है, मतलब जो लास्ट में ये PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको वो ले लेना है। और यहाँ पर कुछ कॉर्नर में कोई मतलब जिस जगह आपको अच्छा देगा आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, तो सिंपली मैं यहाँ पर रख देता हूँ, मेरे को यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर इतना काम हो चुका है। अब उसके बाद लास्टली हम लोग को क्या करना है, फोटो लेयर में जाकर आपको एक जो BGMI का PNG होता है वो ले लेना है सिंपली। और इसको आपको जो लीनियन डॉच करके सिंपली यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट करके आपको नीचे के साइड में लगा देना है। तो सिंपली हम लोग लीनियन डॉच करके इसको ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, देन इसको नीचे के साइड में आप ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। आप किधर भी कर सकते हो, इसको मेनली सब ऊपर साइड में रखते, तो अभी मेरे को ऊपर साइड में जगह नहीं मिली तो यहाँ पर मैं नीचे के साइड में डाल दिया। अभी भी ये प्रोफेशनली लुक दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको छोटा कर देता हूँ और कुछ इस तरह से, देन ये हमारा प्रोसेस हो गया है, हमारा ये बन चुका है। तो आप इसको सिंपली सेव कर सकते हो अपने फ़ोन में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।